कोलकाता होराइजन के पास हूँ मैं। यहाँ पे एक ऐसा हो गया था कि इलेक्ट्रिक बॉक्स यानी मीटर बॉक्स जो होता है वहाँ पे मीटर रूम में स्पार्क हुआ था, यानी कि कहीं ना कहीं जो वहाँ से धुआं निकल रहा था और यहाँ के जो रहवासी लोगों ने उन्होंने देखा और देखने के बाद जो है उसको किसी तरह से ऑफ किया गया। और इसको देखते हुए दास खतीम ने जो है फौरन जो है फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। मैं यहाँ पे ये न्यूज़ बनाने का मकसद ये है कि वो आग तो आने से पहले बुझ गई थी, लेकिन ये जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो ऑन टाइम पहुँच गई, तो इसलिए मैं इनको जो है मीरा भाईंदर के फायर ब्रिगेड की टीम को जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये फटाफट जो है ये लोग जो है यहाँ पे पहुँच गए और आ करके जो है इनके जो है पूरे गाड़ी में सामने देखिए आप इधर देख सकते हैं कि ये इधर इनके जो है उच्च अधिकारी भी जो है यहाँ पे आ गए। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फायर ब्रिगेड की टीम है इनको कवर किया गया और ये लोग जो है फटाफट यहाँ पे पहुँचे। हालांकि वो आग बुझ चुकी है, अब यहाँ पे जो है कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, उसके बाद अदानी वगैरह इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग आकर के यहाँ पे लाइन को रिस्टोर करेंगे। आपको कैसे जानकारी मिली इजाज़ भाई और आपने किस तरह से समझ किया? थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे सर। मेरे छोटे भाई यहाँ इस बिल्डिंग के चेयरमैन है, उनका फ़ोन आया, मैं किसी से बात कर रहा था तो डबल लाइन में फ़ोन आया था, तुरंत उसे उनका फ़ोन कनेक्ट किया। मैं वो बोला कि तुरंत फायर ब्रिगेड फोन करो क्योंकि हमारे बिल्डिंग में नीचे मीटर रूम में आग लगे धुआं आ रहा है और आग लगे मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और जब फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं मिला तो मैं वो फट भी गया कि उनका रास्ता बोल के दूसरे गली में गए तो उनके साथ इधर आया। देखो मैं यहाँ ऑलरेडी सेक्रेटरी साहब है सब यहाँ के सोसाइटी के मेम्बर वगैरह सब आगे पीछे हुए, तो लोग शायद उन्होंने अपनी कोशिश करके जो आग लगी थी उसको बुझा दी। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि फायर ब्रिगेड का रोल बहुत अच्छा लगा और आप भी जो है वो गाड़ी पर लटकते हुए दिखे मुझे। अशरफ जी, फायर ब्रिगेड की सर्विस के बारे में क्या कहेंगे कि देखिए उनको कवर मिला, जैसे भी मिला कवर, और वो जो है फटाफट जो है यहाँ पे पहुँचे, इसके बारे में? फायर ब्रिगेड का काम ही फटाफट वक्त पर पहुँचना है, लेकिन और वो आए हैं जिसकी ठीक है सराहना करने जैसी बात है और वो वक्त पर आ गए। साथ साथ हमने रमेश कोरेगांवकर जो रिलायंस के लो टेंशन जो अधिकारी है उनको फ़ोन कर दिया है, उन्होंने आदमी भेज दिया है, रास्ते में दो मिनट के अंदर वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और उसके पहले क्या हुआ कि हमारे जो मेंबर है उन्होंने ही जाके उसको बंद कर दिया, क्योंकि मैं बाहर गया था, मैं जस्ट अभी बिल्डिंग में पहुँचा और मुझे फ़ोन आया और मैं नीचे उतरा, तब तक के एजाज भाई ने वो फैमिली वगैरह को बुला लिए थे और मैंने ताबड़तोड़ रिलायंस को बुलाया हूँ जो बस आता ही होगा और रिलायंस आएगा तो इंशाल्लाह ये काम होगा। गुड, तो ये है अशरफ शेख जी, नगर सेवक है। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी कोई संकट आता है यानी कभी भी कोई मुसीबत आता है तो ऐसे समाज के लोग जो है ना इकट्ठा होकर के उससे पहले लड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, इन्होंने जो है अदानी इलेक्ट्रिक्स को फ़ोन किया कि उसके भी लोग जो है आकर के, क्योंकि लाइट को रिस्टोर करना है, और कहीं ना कहीं ये सर्विसेज बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, ये है अडानी से, चूँकि ये जो मीटर बॉक्स में ही आग लगा था और ये अडानी से भी ये जैसे ही इनको खबर हुआ ये फटाफट, इनका नाम रामेश्वर पाटिल है, ये आए वहाँ पे और रिस्टोर हो गया लाइन। और ये है फायर ब्रिगेड, अभी आ करके गई, मैं वही बोल रहा था कि आने से पहले आग तो बुझ गई थी लेकिन इनको जैसे ही सूचना मिलती है और उसके बाद जब ये आ जाते हैं कहीं ना कहीं तो बड़ी राहत की बात होती है, क्योंकि आग जैसी चीज़ है वो कभी भी बहुत ज़्यादा पकड़ सकती है। ऐसे में जो ये सर्विस देखने को बहुत जो मिलता है ऐसे लॉकडाउन के टाइम पर जो इस तरह की सर्विस देखने को मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, आपका नाम क्या है? सी एस आदिवाल। आप सर क्या हैं? इस एसओ, ये एसओ हैं, सी एस आदिवाल जी हैं। और ये देखिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ एक अधिकारी भी पीछे से आए तो ये बड़ी बात है और इन्होंने भी आगे जा करके, सर आपने पूरा मुआयना किया? सब ओके। सर थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की सर्विस बहुत फास्ट होती है और वाकई में आप लोग पहुँचे जिस तरह से आप लोग जो है 10 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँचे और सारा देख लिया। थैंक यू आपका भी अदानी कि आपने उधर से आ करके जो है फटाफट इसको ये किया और ऑल ऑफ यू आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच।